नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमें बनाने हैं मूली के पराठे नाश्ते में, तो इसके लिए हम मूली उखाड़ लेते हैं। सबसे पहले ये है ताज़ा मूली, जो मोटी मोटी है उन्हें हम उखाड़ लेंगे। धनिया के पत्ते भी तोड़ लेती हूँ। ये मेथी भी बोई है हमने, और ये बोया है पालक, और ये है बर्फी हमारी भैंस के लिए। पहले धनिया को साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो मूली के पत्ते डाल देंगे हम अपनी भैंस को, मूली साफ करके धो लेंगे। ये मूली बहुत ताजी और एकदम कच्ची है, इनको खाने को तो बड़ा मन करता है। एक तो मैं खाऊंगी नींबू नमक लगा के, बहुत ही टेस्टी लगती है। और फटाफट से बना लेते हैं पराठे नाश्ते के लिए। ये दो पराठे मैं सादा ही बनाऊंगी, गाय के लिए और चिड़िया के लिए। एक ही लोई में ऐसे फोल्ड करके हम पराठे बना लेते हैं, लेकिन मूली के ये हमने दो बनाई है। और अब रखेंगे हम इस पे मूली इस तरह से, कितनी चाहिए इतनी दूर बैठे इस तरह से। इसके ऊपर रखेंगे हम इसको को, और इस तरह से हम दबा देंगे। और थोड़ा ऐसे करके इसको चिपका लेंगे। अब हल्के हाथ से इसको हम ले लेंगे। ज़्यादा ताकत हमें नहीं लगानी है, नहीं तो पराठा हमारा फट जाएगा।
देखिए अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरह बना लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप भी बना के ज़रूर देखना और हमें भी बताना कमेंट करके कि आपको हमारे पराठे बनाने का तरीका कैसा लगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। देखिए कितना अच्छा सीखा है, एकदम करारा। हमारा तैयार है एकदम से, कितना सुंदर परांठा बना है। देखिए हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना अच्छा लगता है पराठा होली का। अंदर से आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही गर्मा गर्म। देखिए ये हमारा नाश्ता आज का। अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो ये था हमारा आज का नाश्ता। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।